एक बार फिर से मैं बदतमीज कुमार बदतमीजी करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से राहुल गांधी और उनके कांग्रेसी आज जब राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे तो भाग खड़े बच्चों को डराने की परंपरा मोदी जी आपने कब से सीखी मान लिया कि राहुल गांधी बदतमीजी करता है सभापति जी बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है आपने पहले जब बालक बुद्धि कहा तो मुझे बड़ा क्रोध आया क्रोध इस बात को लेकर के आया कि बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया के जग के के तारे मुझे लगा कि आप मुझे कोस रहे हैं मेरे अंदर भी एक बालकपना है मैं जब आपकी आलोचना करता हूं रेबीज बन के तो मेरा भाव होता है कि किसी प्रकार से मैं आपकी सरकार को गिराने में अपना योगदान दू जिस प्रकार से हमारे राहुल बाबा करते हैं मैं आज इको सिस्टम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा मगर राहुल बाबा को आपने जिस प्रकार से डराया धमकाया किसी प्रिंसिपल की भांति था जैसे कोई उदंड बच्चा स्कूल में जब बदमाशी करता है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमको टीसी दे के भगा देंगे है, 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 क्या जी है? आ, आप राहुल गांधी को टीसी दे के भगाना चाहते हैं टीसी के बहाने मैं समझ गया कि नरेंद्र मोदी जी का इशारा अगस्ता वेस्टलैंड और नेशनल हराल्ड केस पर है बाप रे बाप कुछ ही समय बाद मुझे एहसास हो गया बाप रे बाप मोदी मोटका वाला बांस लेके आया है ये बांस जहां पर जा रहा था मैं देख करके दूर से चौंका और मैंने अपने आसपास के लोगों को कहा कि भाई थोड़ा दूर रहो राज्यसभा में जिस प्रकार से विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया देख करके अच्छा लगा जब सामने वाला बांस लेकर के आया हो तो भाग ही जाना चाहिए राहुल बाबा ने कहा डरो मत और जिस प्रकार से हमारे बालक बुद्धि राहुल बाबा सदन में लोगों को करने को देख रहे थे इसी प्रकार से मुझे अपना कालजही डायलॉग याद आया कुत्ते की दुम पे कुत्ता उसकी दुम पे कुत्ता कुत्ते की ही दुम पे कुत्ता उसके दुम पे कुत्ता अबे तुम मेरी शायरी क्या देख रहे हो कुत्तों के बीच का बैलेंस देखो <laughs> कुत्तों के बीच का बैलेंस देखो इसी बात पर एक बार मैं और मेरा सखा यानी कैमरामैन हम लोग जा रहे थे जंगल में जंगल में के ऊपर एक बेर गिर गई थी मैंने दाएं देखा, बाएं देखा। कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया मैंने एंडरसन को भी पुकारा एंडरसन 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 भी नजर नहीं आया मैं समझ गया एस और लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है मैंने रघुराम राजन को आवाज लगाया मोबाइल पर फोन मिलाया और कहा भाई झूठ तो फैलाओ शेयर बाजार गिराने को तैयार है एंडरसन अडानी को तो थोड़ा नीचे गिरा के दिखाओ इसी झूठ को बच्चा सीरियसली समझ बैठा वो बालक बुद्धि सदन में भी गरजने लगा अडानी की सरकार अंबानी की सरकार हमने कहा कि ये खुद तो डूबेगा हमें भी सनम ले डूबेगा खैर मैंने जंगल में ध्यान से दोनों तरफ देखा दाएं देखा बाएं देखा जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो जो टट्टी के ऊपर बेर गिरा हुआ था जंगल में मैंने उसे धोया और धो करके खा गया इसी प्रकार से मेरी कार्यस्थानी तो छुप गई मगर राहुल गांधी कैसे छुपाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने प्रिंसिपल की भांति डांटते हुए कहा जो लोग हजारों करोड़ का स्कैम कर चुके हैं वो लोग बेल पर बाहर है मैं समझ गया कि अगस्ता वेस्टलैंड की तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हैं ये टू जी और कोल जी के तरफ भी बता रहे हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूं मनमोजी करता हूं मैं वो तुम भी करो जी कभी कोल स्कैम कभी टू जी स्कैम कभी सी डब्ल्यू स्कैम करो जी <laughs> मगर मोदी जी ये सब करने नहीं दे रहे पहले मीडिया को देखिए इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आप भी समझिएगा पहले जब प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो मीडिया को महंगे महंगे गिफ्ट मिलते थे फ्लाइट में बिजनेस क्लास में आना जाना होता था विदेशों में घूमना होता था है? हम भी कभी किसी की सुरमई अखियों में देख करके जन्म समझा करो वाला गीत गा लेते थे गुनगुना लेते थे मगर अब वो दिन नहीं रहे इसीलिए भारत का हैप्पी इंडेक्स लगातार गिर रहा है मीडिया की नजरों में <laughs> आप क्या सोचे देखिए निसंदेह राहुल गांधी जैसे और उनके लोग दुखी हैं जब कल नरेंद्र मोदी जी ने सदन में सत्य से अवगत कराया कि अरे महामूर्ख तुम्हारे पांच तैतालीस में निन्यानबे नंबर आए हैं तुम सरकार से बहुत बाहर हो और अगले पांच साल तक सरकार के बाहर रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन का माहौल देखने लायक बनता था राहुल गांधी सदन में लोगों को बोल रहे थे एक मिनट ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखे आप आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं नहीं आप संसद बढ़िया पीछे आपको गरिमा नहीं सदन की डायरेक्शन राहुल गांधी को आपने ऊ करते हुए सुना ये ऊ सुन करके मुझे वो कालजई गीत याद आ गया इस टूटे दिल की पीढ़ सही ना जाए आप मुझे अच्छा गायक भी मान सकते हैं मैक्स अवार्ड तो मुझे मिला ही है मगर बदतमीजी की श्रृंखला यहां पर समाप्त नहीं होगी मैंने हर बार कहा है कि अब डायरेक्टली अटैक होगा और अटैक होगा इन झूठे लोगों के ऊपर झूठ किस प्रकार से हम फैलाने में कामयाब होते हैं जैसे मैंने कल ही बताया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से एक महा झूठ फैलाया कि भाई देखिए अग्निवीर वालों को शहीद होने के बाद भी बलिदानी होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का इससे बड़ा काबिलियत क्या होगा मोदी जी जिस प्रकार से वो झूठ बोल सकता है आप बोल सकते हैं क्या और जो झूठ बोल रहा है राहुल गांधी क्या आप उसको काउंटर सदन में करना चाहते हैं ये तो महापाप है उस झूठ का काउंटर आप सदन में क्यों करना चाहते हैं ये ड्यूटी आप अपने आईटी सेल वालों को क्यों नहीं देते <laughs> क्योंकि आईटी सेल वाले भी जानते हैं कि वो इसका काउंटर कर नहीं पाएंगे टाइम से तो मोदी जी ने सारी जिम्मेदारी स्वयं उठा ली और मोदी जी के रक्षा मंत्री यानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आर निकाल करके दिखाने लगे कि देखो ना लायक एक करोड़ से अधिक रकम मिलती है हालांकि बलिदानी के माता पिता ने भी आके राहुल गांधी के झूठ का सत्यानाश कर दिया लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना पर राहुल गांधी झूठ क्यों फैला रहे इसके लिए आपको धूर्त राठी से समझना चाहिए कि राठी किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है जिस प्रकार से धूर्त राठी का कनेक्शन बहुत डीप है राहुल गांधी के भी इस झूठ के पीछे का कनेक्शन बहुत डीप है नरेंद्र मोदी जी समझ गए उन्होंने कह दिया कि जो लोग सेना पर फैला रहे हैं झूठ उसके पीछे का मकसद हम समझ रहे हैं। हम समझ गए कि नरेंद्र मोदी चीन वाला और राहुल गांधी का कनेक्शन भी समझ गए है? राजा राजा सब समझते हैं नरेंद्र मोदी जी चीन और राहुल बाबा के और कांग्रेस के कनेक्शन पर जिस प्रकार से प्रहार करते देख रहे हैं उसके बाद सी जिनपिंग ने खबरों के अनुसार अपने आप को वॉशरूम में बंद कर रखा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अगली लाइन में कहा कि मैं तुम्हारे इस झूठ के तंत्र को नष्ट कर दूंगा राहुल गांधी के पेट के ऊपर लात मार रहे हैं ठीक है आपकी राजनीतिक दुश्मनी है मगर हमारा और सोरस के बीच का पत्रकारों का रुपया पैसा के ऊपर आप जो नजर डाल रहे हैं यही तो पत्रकारिता के ऊपर प्रहार है और इसी वजह से तो भारतीय पत्रकारिता का इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है और हमारा स्तर भी और व्यक्तिगत रूप से मेरा स्तर भी <laughs> मगर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको तो अवार्ड से मतलब है और अवार्ड तो मिल ही जाता है राजा कचकचा के इसी बात पर एक और कालजयी गीत याद आ गया जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लोगों को रेल रहे थे मुझे याद आया ए राजा 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 करेजा में समाजा भेटाई बनी माजा आ, बहिया में कसी के मारे ले कचा कच 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 तो जिस प्रकार से मोदी जी मार रहे थे कांग्रेसियों की हमें भी समझ में आ गया कि असली राजा तो नरेंद्र मोदी है भले अपने आप को वो प्रधान सेवक कहते हो <laughs> लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या बालक बुद्धि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के पद का फायदा उठा करके सदन में उत्पात मचा सके अगर सभापति जी बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं ये बालक बुद्धि अपनी खो देती है दो तो सदन के अंदर बैठ करके मारते हैं मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है इसलिए आज देश से कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा बालक का तो काम ही है तोड़फोड़ करना और राहुल गांधी की बॉडी शॉडी देख करके आपको समझना चाहिए जिस प्रकार से टाइट टी शर्ट पहन के वो ध्रुराठी से इंस्पायर्ड दिखते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि एक बावन साल का बच्चा तीस साल के बच्चे से इंस्पायर्ड है <laughs> राजा हम हर चीज को बहुत क्लोज पकड़ते हैं बहुत क्लोज क्लोज आप भी समझ रहे हैं ना मोदी जी मोदी जी आज राज्यसभा में ये कह रहे थे कि उन्होंने किसानों को पैसे दिए उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर लोगों को निकाला और इस पे हमारा जो झूठ है कि 80 करोड़ रुपए को अन्य क्यों देते हैं आप उन्होंने कहा कि यह कुतर्क की पराकाष्ठा है क्या आप डॉक्टर के पास से जब बाहर जाते हैं तो कुछ दिन के लिए एक्स्ट्रा दिन के लिए मेडिसिन नहीं दिया जाता ये बात समझ गया मैं लेकिन राहुल गांधी जी और मोदी जी आप मुझे ये बताइए हमको भी तो एनडी से निकाला गया था तो कुछ दिन मुफ्त बिठा के मुझे सैलरी क्यों नहीं दी गई है हम भी तो गरीब थे भारत माता माफ़ नहीं करेगी है इसी नोट पे मैं रवीश कुमार साइनिंग ऑफ अगले हफ्ते फिर से आपको काटने के लिए आऊंगा आप लोग इंजेक्शन लगवा के रखिएगा नमस्कार